ये गैस की वो आना शुरू हुई, लोग दरिया करने की कोशिश करे कहाँ से आ रही है। अतराफ के घरों में पूरा जायजा लिया गया, तकरीबन जो है ना पूरा मोहल्ला कारवान से लेके आपने पूरा झिरा उठा हुआ है, चप्पा चबूतरा पूरे तक करीब स्मेल आ रही है, पता नहीं चल रहा कि स्मेल है कहीं की, पंजन गैस है। अब करीब आधे घंटे के बाद तो यह हाल है, सबकी आंखों में से पानी जाना शुरू हो गया, आंख जलना शुरू हो गई है। मैं 3:15 बजे NDRF को DRF की टीम को फोन करा और वो लोगों को भी टीम आई, वो लोग भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पुलिस की टीम भी पूरी लगी हुई है, करीब ACP साहब भी यहाँ पे एरिया में आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा है गैस लीक कहाँ से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कोई केमिकल की गैस है और या पॉइजनियस भी हो सकती है, नॉन पॉइजनियस भी हो सकती है, और इसको जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है, मालूम नहीं पड़ रहा। और जैसे जैसे हवा चलते जा रही उसकी डेंसिटी बढ़ते जा रही गैस की, बाइट ले सक रहे हैं आप, काफी तकलीफ में है लोग, बच्चों को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और कई लोग एरिया छोड़ के बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं। तो मैं आप गवर्नमेंट से और DRF की टीम से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लें और जल्द से जल्द इसका सोर्स कहाँ से निकल रही है गैस उसको उसके मालूम करें। सर ये आपसे क्वेश्चन ये है कि आस पास में कोई गैस कंपनी है, कोई ऐसा कोई है तो उसके बारे में? अतराफ में किशनबाग से हटके किशनबाग से हटके इधर अतराफ में तो कोई कंपनी नहीं है, कोई गैस नहीं है, अलबत्ता एक एक्टिविटी चलती है इलीगल, कोई इलाके जो है ना नदी में वो केमिकल के डंपिंग करते हैं, या उसको सोर्स वो हो सकता है या